Okay, friends. So, in this part, actually, in previous part, we have discussed distribution of charges and few things, how to use the equations, so and so. I also told you that this kind of knowledge will help you in solving MCQ. I would like to few things. I would like to tell you few things about what to remember in JEE NEET, but that we will see in a separate part of JEE NEET for this chapter. Since now we are dealing the regular syllabus herein, but this must not be skipped. So please note down this in your notebook that I have told you when we are given any system with continuous charge distributions, like last time we have seen this thing about the road, okay, road and these things here, okay, and we derived equation for the road which has uniform charge distribution. But here few things we have to also remember for JEE. Okay, so suppose whenever we are given any system with the continuous charge distribution, say here is the area, okay, here is the area with the uniform charge distribution over the surface, then we can use such equation of integration and we can find electric field at any point. This might be hard for biology students, but after understanding integration and derivation, math student can derive electric field at any given point. So since we are not so familiar with the equation and the formulas in integration, so we just not consider this part. But there are two examples in old PDF that I would like to tell you about. You have to remember for future reference in solving equation, this one, illustration 14. Okay, this is very useful illustration. No such illustration is given in our syllabus, but here in old syllabus it is given that in this is the arc, okay, and the charge is uniformly distributed over the arc, and we have to find electric field at the center, or say the origin, by carrying some calculations. Here is the answer. But what I tell you that the calculation जो यहाँ पर है वो important नहीं है, okay, but उसका जो answer है वो हम याद रख सकते हैं, बराबर। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये वाला आंसर भी हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या रिमेम्बर करना है कि जब आपको किसी भी MCQ में कोई आर्क दिया गया हो, समझो कि हमें यहाँ पर कोई आर्क दिया गया, दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल, ये क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल है और इसका यहाँ पर सेंटर बनता है, ये वाला यहाँ पर सेंटर बनता है, ये जो क्वार्टर पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज और से नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरह से, तो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका आंसर हमें चाहिए, वो आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव डिरेक्शन में, ये वाले डिरेक्शन में बनेगा। आपको पता है कैसे, यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे और वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर रिपल्सिव फोर्स इस डिरेक्शन में लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज, ओके। समझो कि यहाँ पर लैम्बडा जितनी हमारी डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, √2 के लैम्बडा बाय आर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये जो हमारा आंसर है यहाँ पर थीटा जो है 90, और यहाँ पर थीटा हम 90 रख देते हैं, बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये वाला इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, पर ये वैल्यू जो है याद रखनी है आपको, √2 के लैम्बडा बाय आर, ओके। अब समझ लीजिए कि इतना आपको याद है तो आप
इसको लेकर कितने इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि हमें एक हाफ सर्कल दिया गया है इस तरह से, ओके, और ये वाला उसका डायमीटर है और यहां पर उसका सेंटर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। चलो ये वाला एमसीक्यू हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमें क्वार्टर पार्ट याद है कि क्वार्टर पार्ट होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रूट टू के लैम्बडा बाय आर रहेगा। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ तो हमारे दो क्वार्टर पार्ट इसके जैसे दो क्वार्टर पार्ट यहाँ पर बन गए, ओके। और यहाँ पर हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये वाला फर्स्ट जो क्वार्टर है उसको लेकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा ई जितना। वैल्यू कितनी रहेगी तो बोलेंगे आप रूट टू के लैम्बडा बाय। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये अलग से क्वार्टर है, उस पर भी चार्ज उतना ही है, लैम्बडा जितनी डेंसिटी है मतलब की। तो ये जो चार्ज है उसको लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा ई जितना, मतलब की वैल्यू तो सेम रहेगी कितनी रूट टू के लैम्बडा बाय। अब यहाँ हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर बन गए, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है एक कुछ इस तरह हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, समझो कि हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो अंडर रूट ये वाला वेक्टर बनेगा स्क्वायर प्लस ये वाला वेक्टर वो बनेगा स्क्वायर, ओके। कैलकुलेशन में करता हूँ, बाद में तो आपको वैल्यू याद रखना है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा तो हम हर एमसीक्यू में कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर, हमारा आंसर बनेगा रूट टू ई, ओके। चलो यहाँ पर ई की वैल्यू हम रख देते हैं, तो रूट टू और हमारी ई की वैल्यू क्या है, रूट टू के लैम्बडा बाय आर, रूट टू के लैम्बडा बाय आर, ओके। तो रूट टू इंटू रूट टू दैट 2 के लैम्बडा बाय हो गया हमारा आंसर। सिर्फ हमें एक दो बातें याद रखनी थी कि एक क्वार्टर जो पार्ट है उससे लेकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी वैल्यू का बनेगा। तो हाफ सर्कल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना बन जाएगा, मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखा है कैसे। ये वाला जो क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में, ये वाला जो क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो कि आगे जाते हम, हमें इतना हमें सर्कल दिया गया है, चलो इतना पार्ट दिया गया है 3/4, मतलब कि ये हमारा चलो ओके इतना पार्ट नेक्स्ट दिया गया है हमारा सर्कल का, और हमें यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन दिस क्वार्टर विल गिव इलेक्ट्रिक डिरेक्शन इन दिस डिरेक्शन, ओके, दिस वन, ये वाला, यहाँ से ए से शुरू करके यहाँ तक बी तक, ये जो क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में ई जितना होगा। ई की वैल्यू पता है आपको रूट टू के लैम्बडा बाय। चलो बी से लेकर सी तक यहाँ तक का जो क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा, वो बनेगा ई, ओके। चलो सी से लेकर डी तक यहाँ तक का जो क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगा इस डिरेक्शन में ई जितना। चलो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इजी कैलकुलेशन ये है कि यहाँ ई और ई वो दोनों को मतलब इलिमिनेट कर देंगे, तो ये जो ई है वो इलिमिनेट हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम वैल्यू के ऑपोजिट डिरेक्शन में, बचा कितना ई, तो हमारा आंसर हो गया ई। ई मतलब क्या, रूट टू के लैम्बडा बाया, हो गया हमारा आंसर सिंपल। चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आगे जाके हम सोचे कि हमें पूरा सर्कल दिया गया है, यहाँ पर पूरा सर्कल दिया गया है तो उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे, चलो ये लाइन हो गई हमारी।
चलो, तो ये वाला जो क्वार्टर है, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये वाला, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा ई जितना। चलो, ये वाला जो क्वार्टर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डिरेक्शन में ई जितना। ये जो थर्ड क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डिरेक्शन में ई जितना, और ये जो फोर्थ क्वार्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई जितना इस डिरेक्शन में। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है सब सेम वैल्यू के हैं, और अपोजिट डिरेक्शन में, समझो कि ई अपोजिट डिरेक्शन में, वो एक दोनों को इग्नोर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये वाले भी कैंसिल कर देंगे। सेंटर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जीरो। कैसे हमने प्रूव किया? एक ट्रिक, हमने एक ट्रिक ली, सिर्फ हमने एक आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंसिडर किया। ओके, और उसको लेकर हमने पूरी 4 MCQ वाली एक डिस्कशन पूरी की। तो ये जो वैल्यू है आपको लिख देनी है कि जो क्वार्टर है, क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल, उसको लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड √2 kλ/r ये डिरेक्शन में रहे। ओके, सो दिस डिस्कशन आर इम्पोर्टेंट। एक और बात भी यहाँ पर है, इल्यूस्ट्रेशन 50। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे थे जो मुझे ये बात बताते थे सॉल्व करने के लिए, कि वो कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ JEE का क्वेश्चन था। चलो, उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रिंग है, और रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब कि क्यू जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो उसकी एक्सियल लाइन है, वहां पर कोई पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो समझो आप कि इसकी वैल्यू भी हम याद रख सकते हैं। चलो, यहां पर हमारी एक रिंग है, इस तरह से हमारी एक रिंग है। ओके, और उसका जो एक्सियल लाइन है वहां पर कोई पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वो जो वैल्यू है वो अगर हम याद रख दें, कैलकुलेशन मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, बट दैट विल एक्सपांड द लेंथ ऑफ द चैप्टर। सो चलो, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन ही कर देता हूँ, तो आपको एक मेथड भी पता चल जाए कि कैसे अगर फ्यूचर में कैलकुलेशन, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, सो मैं यहाँ पर वो कंसिडर करता हूँ। तो कैलकुलेशन करने के लिए यही जो फिगर है उसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हमारी एक रिंग है। ओके, ये जो रिंग है, आई वुड लाइक टू बेटर ड्रॉ बेटर रिंग, बट ऐसे ही रिंग यहाँ पर ड्रॉ होती है, तो मैं एक जरा क्लियर एक रिंग ड्रॉ कर देता हूँ। समझो कि हमने यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और आप समझ सकते हैं कि जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। मैं यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ करता हूँ कि ऐसे, सॉरी, यहाँ पर ऐसे एक रिंग दी गई है, और जो रिंग है उसका एक्सिस वो एक्स एक्सिस है। रिंग पर क्यू जितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर द रिंग। रिंग का जो रेडियस है वो ए है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो ए है, और उसका जो सेंटर है उससे लेकर यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हम रख देते हैं, और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझ गए आप? चलो, तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस है वो क्या था? वो ए है। ओके, लेट मी, चलो, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। व्हाट विल वी डू? वी विल यूज बेसिक आइडिया दैट आई हैव शो यू इन द प्रीवियस वीडियो। चलो समझ लो, यहाँ पर हम एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं। ओके, और वहां का जो चार्ज है वो हम क्या लेते हैं? तो हम वो चार्ज लेते हैं DQ। ओके, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो जो चार्ज है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, टाइनी पॉजिटिव चार्ज, एक सेगमेंट में कंटेन किया हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कौन से डिरेक्शन में होगा? तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा। ओके, चलो, तो एक बात यहाँ पर फाइनल हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे हम? DE, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्मॉल होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल रहेगा। चलो, तो यहाँ पर हमने जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट कंसीडर किया था DQ, वहां से लेकर पी पॉइंट का डिस्टेंस समझो कि आर है।
ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा के, हमारा चार्ज कितना है डी क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। चलो सो आई वॉज इंटरप्टेड, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी, डी तो पता चला आपको क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर थीटा एंगल अगर मैं ले लूं तो इस तरफ भी थीटा एंगल बन जाएगा। ओके दैट इज फॉर श्योर, अगर मैं थीटा एंगल यहां पर ले लूं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है उसके दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक कंपोनेंट इस डिरेक्शन में जाएगा, वो कंपोनेंट हम कहेंगे डी कॉस थीटा, यू नो दैट। ओके जब भी एंगल बनता है तो कंपोनेंट हमें कंसीडर करना पड़ता है, डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यहाँ का जो कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बन जाएगा डी साइन थीटा। दोस्तों एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन आप जरा माइंड कीजिएगा, क्योंकि सेम कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे आएगा, रिंग में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, वो हमारी थियरी आईएमपी थियरी। ओके फोर्थ चैप्टर में, तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख ले तो शायद उसको समझने में, मैग्नेटिक फील्ड के सब्जेक्ट में समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट लेंगे, वैल्यू कितनी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, चलो फाइन है। ओके अब ये जो डी क्यू है जो स्मॉल चार्ज, ऐसा ही स्मॉल चार्ज हम यहाँ पर कंसिडर कर दे डी क्यू जितना ही, तो वो जो चार्ज है उसको लेकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के पास यहाँ पर रहेगा डी जितना। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो हमने जो ये डी क्यू के सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो कंसीडर किया चार्ज डी क्यू, उसको लेकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गया, वो भी कितना होगा डी जितना, वैल्यू कितनी, तो नीचे मैंने लिखी इतनी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसका भी एंगल यहाँ थीटा बनेगा, उसका भी इस डिरेक्शन में कंपोनेंट डी कॉस थीटा बनेगा, डी कॉस थीटा बनेगा, सॉरी कॉस थीटा बनेगा। ओके कॉस थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो वाला ये जो डी इसका, तो डी डी साइन थीटा बनेगा। ओके अब बात क्या हुई जरा समझ लीजिए आप, कि हमने यहाँ पर डी क्यू कंसिडर किया और सामने डी क्यू कंसिडर किया, तो जो डीई डी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनते हैं उसके साइन कंपोनेंट है वो इक्वल वैल्यू के हैं और ऑपोजिट डिरेक्शन में है, दैट्स वाई दे विल एलिमिनेट ईच अदर, तो ये जो साइन कंपोनेंट है वो एलिमिनेट कर देंगे, तो बचे कौन से कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। अब ये जो रिंग है वहां पर जहां मैं यहाँ पर समझो कि डी क्यू लू तो सामने वाला डी क्यू वो दोनों के साइन कंपोनेंट यहाँ पर इलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारे कैलकुलेशन में बचेंगे वो ओनली कॉस कंपोनेंट बचेंगे। मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ कौन से कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, तो हमें इंटीग्रेशन किसके कंपोनेंट के करने हैं, डी कॉस थीटा हो गया हमारा इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट्स ओनली। तो डी की जो वैल्यू मैं लिख दूं तो डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके कॉस थीटा है वो भी हम फिगर से ले सकते हैं, चलो कॉस थीटा जो है बाद में फिगर से लेते, चलो पहले मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिख दूं। ओके यहाँ पर के कॉन्स्टेंट है उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन अंदर बचा डी क्यू बाय आर जो है वो हाइपोटेनियस से, जरा देखिए आप आर जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पर थीटा है तो कॉस थीटा, सॉरी तो यहाँ पर आर आर जो है वो हाइपोटेनियस है, तो आर में हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अगर अंडर रूट नहीं करना है तो रेस टू हाफ, तो मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वहां पर हम क्या, ओके आर स्क्वायर है तो वहां पर हम लिख सकते हैं, सीधा ही लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आर स्क्वायर की जगह बिकॉज दैट इज हाइपोटेनियस इंटू कॉस सीटा, वो भी हम फिगर से चूज कर सकते हैं कॉस सीटा, कॉस सीटा जो है उसमें लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो ये बात हमने कोई
कोई वीडियो में अगले पार्ट में कहा करती थी, तो एक्स हमारी एडजेसेंट साइड थी वो, ओके बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ, ओके क्योंकि अंडर रूट लिखना है उसकी जगह हाफ लिख देते, तो बना क्या यहाँ पर के कांस्टेंट है हमारा जो एक्स डिस्टेंस है यहाँ पर, एक्स डिस्टेंस वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ये सॉरी ये वाला एक्स डिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है पूरे इंटीग्रेशन में, वो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि पी पॉइंट वहां पर रहने वाला है, तो जो एक्स डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स भी कांस्टेंट है, ओके स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट है उसका 1 पावर है, यहाँ पर हाफ पावर है, तो टोटल पावर हमारा बन जाएगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ओके तो इंटीग्रेशन में क्या बचा डी क्यू। चलो अब डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि ये रिंग पर डी क्यू डी क्यू डी क्यू जितने भी हम यही से स्मॉल जितने भी चार्ज कंसीडर करते हैं उस सब का एडिशन मतलब कि टोटल चार्ज क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन मीन्स टोटल चार्ज क्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के एक्स डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि रिंग का टोटल चार्ज क्यू बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ओके ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन जो था उसका आंसर हो गया, ओके ये वाला के 1/4 के एक्स क्यूब बाय स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। चलो तो बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यू था वो कौन सा था मैं याद आपको करा दूं, तो एक स्टूडेंट ने बोला था सर यहाँ पर रिंग है और यहाँ पर ये जो है रिंग की एक्सियल लाइन है, ये वाली जो है और रिंग की एक्सियल लाइन है ये, ओके ओ सॉरी आई शुड हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, चले हमारी रिंग की एक्सियल लाइन है, ओके तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो ये जो रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज रख दे, समझो कि माइनस क्यू वाला नेगेटिव चार्ज रख दे, तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ यह कहना क्या चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी डिराइव किया कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी के पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डिरेक्शन में, राइट कॉस कंपोनेंट जो थे ना डी कॉस कंपोनेंट उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दे तो वो अट्रैक्ट होगा रिंग के सेंटर की तरफ, वो कोई एज की तरफ मतलब कि आर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि हर जगह पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हमारा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इस डिरेक्शन में जाएगा, राइट तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, सेंटर पर आएगा तो सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। अब होगा क्या कि वो वहां पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और से एक्सेलरेशन उसकी जो वेलोसिटी है उसके कारण वो आगे जाना आगे जाएगा मतलब कि आगे जाएगा उतना ही डिस्टेंस इस तरफ जाएगा, और जब इस तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, समझो कि इस पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर अट्रैक्ट होके इस तरफ आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इस तरफ जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो मतलब कि यहाँ पर वो ऑसिलेशन करेगा, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के सेंटर से लेकर एक्सियल लाइन पर ऑसिलेशन करेगा, बट विल दैट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी ऐसा एमसीक्यू था, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है प्रपोजनल टू द माइनस एक्स, डिस्टेंस जो है उसके प्रपोजनल में होना चाहिए विद नेगेटिव साइन, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था, पता है ना आपको, तो जो फोर्स लगता है वो माइनस एक्स के प्रपोजनल में होना चाहिए। चलो यहाँ पर फोर्स कितना होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं, तो एफ इजिक्वल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमारा होता है क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ओके बट यहाँ पर माइनस साइन है तो हमारा फोर्स रहेगा माइनस क्यू ई, ओके चलो तो यहाँ पर हम लिख दे
माइनस क्यू, समझो कि हमारे रिंग पर चार्ज क्यू है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अभी हमने जो इक्वेशन बनाया था वही इक्वेशन के क्यू एक्स भी जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था वो बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। चलो हो गया हमारा फोर्स का इक्वेशन पूरा। अब इसमें आप देखिए तो एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होता है कि नहीं? चलो तो क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये वाला रिंग का चार्ज कांस्टेंट है, तो एफ के सामने एक्स है, तो आपको अभी लग जाएगा कि भाई यहाँ पर तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा कुछ लग रहा जाएगा आएगा, इससे हमारा चार्ज ऑसिलेट होगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स है तो नीचे भी एक्स है, सो इट इज नॉट जस्ट लाइक एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यहाँ पर हमारा इक्वेशन नहीं मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, यहाँ पर मतलब कि ऑसिलेशन होगा, वो ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। तो एमसीक्यू हो गया सॉल्व। चलो ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरे वीडियो की डिस्कशन जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की ये याद रख दे, तो ये रिंग वाला जो एमसीक्यू है उसके जैसा भी एमसीक्यू आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये वाला पोर्शन होना चाहिए जो यहाँ पर फुलफिल नहीं होता, तो अगर ऐसा एमसीक्यू आए देन आप यू विल राइट नो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट वुड बी ऑसिलेशन और से पीरियोडिक मोशन बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। चलो तो मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू जो थे वो समझाने का ट्राई किया, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें सिलेबस में आगे जाएंगे और देखेंगे हमारा IMP पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं।